उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों के बीच शासन ने फैसला लिया है कि आगामी 30 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद किया जाएगा। बताते चले, पिछले दिनों शासन ने फैसला लिया था कि 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद किया जाएगा। वहीं अब एक और फैसला लिया गया है कि 30 जनवरी तक जहां स्कूलों को बंद किया जाएगा तो वहीं ऑनलाइन कक्षाएं चालू रहेंगी। बताते चले, उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश में 96,000 से अधिक संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। वहीं 16,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सरकार ने सभी विद्यालयों को 30 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देशों के तहत इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। बीते दिनों सरकार ने फैसला लेते हुए 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद करने के निर्देश दिए थे। वहीं अब एक बार फिर से सभी विद्यालयों को 30 तारीख तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में इजाफा हो रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 96,624 सक्रिय मामले हैं। वहीं 16,740 संक्रमण के नए मामले मिले हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। कुल संक्रमित मरीजों में से मात्र 1.5% मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी है। ज्यादातर संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं।